आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। और आज आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला है स्पेशल। एक्चुअली आज हम जाने वाले थे, एक स्टूडेंट था, उन स्टूडेंट है और उसका जो जागो था, मीन्स उसकी मैरिज है, तो शादी से पहले एक दिन जागो निकलते हैं। तो मैं, मैम और गिरीश सर तीनों हम जाने वाले थे। तो जब हम घर पहुंचे तो बहुत लेट हो गया और फिर हम प्लान कैंसिल कर दिए, और क्योंकि जब हम पहुंचेंगे उनके घर तो जागो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मैम के घर ही आया था, और बट समहाउ टाइम पे हम नहीं पहुंच पाए सही से, तो इसलिए हम लोग उसको इवेंट को ही कैंसिल कर दिए। हम जाएंगे उनके मैरिज में जाएंगे, ठीक है, जो कि आई थिंक 20 तारीख को है, संडे को है, तो उस दिन हम जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, हम तीनों जाएंगे कॉफी पीने बाहर। तो आप सब मेरे वीडियो को देखिएगा और कॉफी का एंजॉय भी कीजिएगा, और अच्छा लगेगा सबको कि हम सब कैसे एंजॉय करते हैं पार्टी को। और आप सब भी एंजॉय करते रहना और मेरे वीडियो को पूरा ब्लॉग को देखना। बाय बाय। ये है ना, और आरती मैम का वीडियो देख रही हैं और बहुत एंजॉय कर रही हैं अच्छे से, और अच्छा लगता है। मेरी दादी भी इस तरह थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, अभी नहीं है, ठीक है। मुझे हमेशा उनको मिस करता हूँ कि मैंने हमेशा उनके साथ रहा हूँ बचपन में जी। टीने बना रही हैं और गैस तेज पे है और गैस ऑन भी है, ठीक है। और आज आंटी कुछ खाना बना रही हैं और हम आ रहे हैं फिर उसके बाद। कैसे नोबिता मेरे से मिलने के लिए आया हुआ है और चाह रहा है कि मुझे उस गोदी में लेके ऊपर बैठाऊं, ठीक है। मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे बहुत प्यार अच्छे लगते हैं। मुझे डॉग तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सारे अच्छे लगते हैं, और नोबिता तो मुझे मेरा फेवरेट है हमेशा, हमेशा से मुझे बहुत प्यार करता है और हमेशा मेरे पास रहता है, बहुत ज़्यादा मुझे मानता भी है। ये देखिए कितने प्यार से करता है। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा बच्चा है। तो इसी तरह आप सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते रहिए। ये देखिए अब गया हुआ है, मुझे चाह रहा है कि मैं इसको उठाऊं और ऊपर लाऊं, है ना। ये देखिए, ये देखो नोबिता, हाथ दो। तो मैम अपना कार स्टार्ट कर रही हैं, ऑन कर रही हैं, सच कार चलाएंगे और हम सब जा रहे हैं कॉफी पीने। आप सबको आना है कॉफी पीने तो आ सकते हैं। हम सब जा रहे हैं कॉफी पीने और सर कार चला रहे हैं और सर मास्क भी पहन के चलाते हैं। देखिए सर कितना कितना सेफ्टी कितना सेफ्टी लेते हैं। सेफ्टी कोई नहीं चलान होता। हाँ ये बात सही है, मैं भी बाइक चलाता हूँ तो मास्क पहन के चलाता हूँ। मुझे तो मास्क जरूर पहना, और मुझे तो हमेशा रुकवाते, इसलिए मैं हमेशा पहन के सब कुछ पहन के ग्लव्स भी पहन के चलाता हूँ। स्पेशली सब कुछ के होने के बावजूद भी पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं बाइक से पसंद आता हूँ इनको बहुत ज्यादा। एक तो रेड पल्सर है, सबको दूर से दिख जाता मैं। इतना महंगा बाइक ऊपर से लगता नहीं है इसने खरीदा होगा। सबसे बड़ा चांस यही रहता है यार, ये आदमी बाइक नहीं खरीद सकता। वो भी बताइए, फॉर्मल बंदा पहना हुआ सब कुछ है, तभी भी बंदा रुकवा देता है। ये तो उनको लगता होगा मार्केटिंग कंपनी वाला है ये, नहीं तुम्हारी मैं तो तुम एक दो बंदे जोड़ो आगे और दो बंदे जुड़वाऊंगा। वो वाला कोट पैंट पहन के बाइक लेके घूम रहा है। सही है, यहाँ पे और कुछ अलग, कोई अलग रेस्टोरेंट है, अलग चीज है, और सर भी हैं, हम सब ब्लैक रोस्टर है, ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। जी जी जी, ये देखिए, वाह बहुत अच्छा है। हम देखते हैं अंदर में भी, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे। तो ये देखिए कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है, ये बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर जो होंगे, अच्छे से डिजाइन किया गया है।
और कार भी है अंदर, तो हम कहीं भी जा सकते हैं इस कार से। वाह, और येलो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये देखिए, कुछ कुछ पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। जी, हम डिसाइड करें क्या क्या पीना है, क्या खाना है। देखिए, क्या बोलूं सर, आपका ऑर्डर बताओ। क्या खाना चाहते हो? बर्गर। तो देखो आप क्या खाना चाहते हो, दर ऑर्डर खाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो। मैं हैशटैग देख लूंगा। मैम बर्गर खा लेते हैं और ठीक है। नहीं नहीं मैम, पिज्जा तो नहीं है, चिकन बर्गर भी है। नहीं, सिंपल बर्गर बस। सिंपल बर्गर हाँ। कि कुछ अंडे अलग टाइप के भी होते हैं। नाम पता चला कि इनका नाम था ब्लैक रूस्टर, और मैंने वहाँ अंडे देखे, मैंने कहा ये अंडे आप असली रखे हैं कि नकली रखे हैं, तो इन्होंने कहा कि असली पड़े हैं और ये बड़े ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वो अंडे रखने वाली ना बकरी बड़ी अच्छी है। ये देखिए, पूछ लो कहाँ से लिए, वहाँ से ले। हाँ, कार से लिया। डिजाइन बहुत अच्छा है, आप देखिए ऊपर देखो गुब्बारे लगे हुए हैं। ये चार महीने से अभी तक बरकरार है कि नहीं सर, अभी वैलेंटाइन भी लगाए हुए ना। ये नया दोस्तों, जो अभी लोगों को पता चला कि आते आने लग गए लोग। तो दोस्तों जो ये रवि सर का व्लॉग देख रहे हैं, तो ये मैकडी के साथ ही है सड़क पार, जो फगवाड़ा हाईवे पे बात कैसल के सामने मैकडी है ना, उसके बगल में है ये। तो बड़ा अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है। ये देखिए, क्राउड भी नहीं है ज्यादा, क्राउड अभी नहीं है, धीरे धीरे क्राउड आ जाएगा। मगर अगर आपने आना नाइट टाइम आराम से चिल करो बैठ के, हम तो चिल करने आए हैं। 24 आवर्स ओपन है ये, आ सकते हो यहाँ पे। रात को 1:30-2 बजे भी आओगे तब भी यहाँ पे एक आदमी मिलेगा जी। और ये देखिए कितना एंट्री और लाइट सब कुछ अच्छा है। हम और मैम खाएंगे बर्गर, मजे लेंगे, और सर हमें सिर्फ कॉफी में ज्वाइन करेंगे कॉफी में ज्वाइन करेंगे सर, और सर बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, और सर को अपना भी वेट लूज करना है, कम करना है, तो इसलिए सर ये सब कॉन्शियस कोई नहीं है, पहले इतना ओवर खा चुके हैं ना, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए ताला लगा रहे हैं मुंह पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और ये कॉफी आ चुके हैं, ये देखिए सभी के लिए, हम तीनों के लिए अच्छे से कॉफी बनाए हैं, और हम सब पियेंगे कॉफी, एंजॉय करेंगे। और इसके दिल में ना लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि आज पता नहीं कितने दिनों बाद आज रात को कॉफी पी रहे हैं। हाँ, ऐसे हम लोग तो रोज कॉफी पी लेते थे। मैं चलिए सर, बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन है सर, जो बोलते हैं वही कर रहे हैं, और आज पी रहे हैं कॉफी। सर आप पीजिए और बताइए कॉफी कैसा लगा है आज। ठीक है सर, मैं स्टोरी डाल देता हूँ। जी जी, दो में हो जाएगा काम चीनी, मुझे 3 चीनी का सैसे डालना पड़ा, और बहुत अच्छा लग रहा है। रहे हैं बस, हम कॉफी पी चुके हैं और बर्गर खा चुके हैं, और लास्ट ये देखिए कितना अच्छा है, और मैम का फोटोग्राफ हो रहा है। ठीक है सर, फोटोग्राफ खींच रहे हैं, और ये है ब्लैक रोस्टर। वाह।
वीडियो को लाइक एंड शेयर सब सब्सक्राइब करते रहिए, और आप सबको अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मैं कुछ ना कुछ नया बनाते रहूँगा, और मैं थोड़ा कम बोलता हूँ मगर ठीक है, फाइन, बाय।